इसराइल हमास के युद्ध में अब जैसे जैसे एक एक दिन गुजर रहा है, वैसे वैसे लाल सागर की जंग और भी भीषण होती जा रही है। दरअसल यमन का हूती इस बात पर अड़ा हुआ है कि जब तक गाजा में इजरायली सेना युद्ध नहीं रोकती है, तब तक वो लाल सागर, हिंद महासागर और अरब सागर के अलावा कब्जे वाले फिलिस्तीन पर हमले जारी रखेगा। और अब इसी कड़ी में हूती ने एक बार फिर से अरब सागर में एक बहुत बड़ा हमला किया है। दरअसल हूती ने यहाँ पर वेरबाना कार्गो जहाज पर हमला किया है। हूती ने अरब सागर के अलावा लाल सागर में भी दो और हमले किए हैं। हूती का कहना है कि उसने अरब सागर में वेरबाना कार्गो जहाज पर सीधा हमला किया है, जिससे उस जहाज में आग लग गई। यहाँ तक कि मिडिल ईस्ट की अमेरिकी सेंट्रल कमांड यानी कि सेंटकॉम ने अपने एक बयान में कहा कि हूती ने वेरबाना कार्गो पर दो मिसाइलें दागी थी, जिससे जहाज में आग लग गई है। वहीं हूती के प्रवक्ता ब्रिगेडियर जनरल याया सारी ने भी इन हमलों की पुष्टि की है। نفذت القوات البحرية والقوة الصاروخية وسلاح الجو المسير في القوات المسلحة اليمنية بعون الله تعالى ثلاث عمليات عسكرية خلال الأربعة والعشرين ساعة الماضية وعلى النحو التالي: الأولى نفذتها القوة الصاروخية في البحر العربي، استهدفت سفينة فيربينا وقد أصيبت إصابة مباشرة ما أدى إلى اشتعال الحريق فيها بفضل الله. वहीं दूसरे और तीसरे हमले में हूती ने सी गार्जियन और एथीना मालवाहक जहाज पर लाल सागर में हमला किया है। हूती ने इन दोनों जहाजों पर मिसाइल्स और ड्रोन से हमला किया। हूती के मुताबिक उसका ये हमला एकदम सीधा और सटीक रहा है। दरअसल इस हमले को लेकर हूती का कहना है कि उसने कब्जे वाले फिलिस्तीनी बंदरगाह पर जहाजों की आवाजाही पर रोक लगा रखी है और इन जहाजों ने उसके प्रतिबंध का उल्लंघन किया था। इसके बाद उनके ऊपर ये हमला किया गया। والثانية استهدفت سفينة سيغاردين في البحر الأحمر وقد أصيبت إصابة مباشرة بفضل الله. والثالثة استهدفت سفينة أثينا في البحر الأحمر وقد أصيبت إصابة مباشرة بفضل الله. وقد نفذت العمليتان بعدد من الصواريخ البحرية البالستية والطائرات المسيرة وحققت أهدافها بنجاح. इन तीनों हमलों से पहले हूती ने 12 जून 2024 को लाल सागर में ग्रीक के ट्यूटर जहाज पर बैलिस्टिक मिसाइलें फायर की थी, जिससे उस जहाज में पानी भरने लगा था और ये जहाज डूबते डूबते बचा था। हालांकि इस हमले में कोई हताहत नहीं हुआ था, लेकिन जहाज का इंजन रूम पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया था। वहीं हमलों के बीच हूती के मुखिया सैयद अब्दुल मलिक अल हूती ने एक बार फिर से अमेरिका को दो टूक कह दिया है। अल हूती का कहना है कि अमेरिका कान खोल कर सुन ले, वो समुद्र में पूरी तरह से हूती का सामना करने में विफल रहा है। हालांकि हूती ने कुछ इस्लामिक देशों पर गंभीर आरोप भी लगाया है। अल हूती का कहना है कि कुछ अरब देश अमेरिका की अगुवाई में इजरायली सेना के साथ सैन्य अभ्यास करने वाले हैं। हम उनसे आग्रह करते हैं कि वो इजरायल का रक्षा कवच न बने। इसके अलावा हूती के नेता ने ये भी आरोप लगाया है कि गाजा के तट पर अमेरिकी सेना ने नेवल बेस तैयार किया है, जिसका इस्तेमाल अल नुसरत कैंप पर हमले के लिए किया गया था और इस बेस से इजरायली सेना ने हमला किया था। और ऐसे में साफ हो गया है कि अमेरिका गाजा पर हमला करवाने के लिए इस बेस के रूप में काम कर रहा है। हूती का कहना है कि 8 महीने बाद इजरायली सेना सिर्फ 4 बंधकों को छुड़ा पाई है। इसका मतलब ये नहीं है कि गाजा में उसकी जीत हुई है, बल्कि ये दर्शाता है कि सभी बंधकों को छुड़ाने में इजरायल को कई साल लग जाएंगे।